जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। प्रकृति पुरुष के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति जिमि होई, सो वर्णन विस्तार युत साधन योग विलोई। सुनिए। श्री कपिल जी बोले, हे मैया, पुरुष देह में स्थित होता हुआ भी देह के किए हुए सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होता, जैसे कि हिलाते हुए जल में सूर्य का पड़ा हुआ प्रतिबिंब नहीं हिलता है। वही पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर अपने को कर्ता मान बैठता है। उस कर्ता पने के अभिमान से प्रकृति के संग से किए हुए कर्म दोषों से देवता, पशु, मनुष्य आदि योनियों में जन्म लेता हुआ संसार चक्र में पड़ जाता है। इसीलिए असन्य मार्ग में लगे हुए चित को ज्ञान वैराग्य से धीरे धीरे अपने वश में करना चाहिए। यम नियम आदि योग के मार्गों से मेरी कथाओं के श्रवण करने से तथा सब में समान भाव रखने से, शत्रुता न करने से, संग के त्याग देने से, मोह होकर रहने से, अकस्मात बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उससे ही संतुष्ट होकर रहे, थोड़ा भोजन करे, एकांत सेवन करना, शांति तथा सबों पर दया, देह में ममता के त्याग देने से शुद्ध आत्मा भाव को देखता हुआ मनुष्य उपाधि रहित पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवहूति जी बोली, हे कपिल, परस्पर आश्रय होने के कारण प्रकृति पुरुष को नहीं छोड़ती है। जिस तरह कंद का और पृथ्वी का पृथक भेद नहीं है, दोनों परस्पारिषित यानी मिले हुए हैं, इसी प्रकार प्रकृति पुरुष भी परस्पारिषित है, किंतु प्रकृति के गुणों से ही कर्ता पुरुष का कर्म बंधन होता है। इसीलिए प्रकृति पुरुष पृथक भेद कैसे होता है यह बताओ। कहीं तो तत्वों के विचार करने से भी संसार से निवृत्त हुए पुरुष को भी संसार का भय देखने में आता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, ज्ञान वैराग्य योग आदि उपायों से रात दिन जलती हुई पुरुष की प्रकृति धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोगे हुए भोगों वाली प्रकृति अपने महत्व में स्थित हुई ईश्वर का कुछ भी एक कल्याण नहीं कर सकती। जिस प्रकार की जगते हुए मनुष्य को संस्कार वश याद रहता हुआ भी सौपन कुछ भी मोहित नहीं करता है, इसी प्रकार जिसने तातु जान लिया है और मुझ में चित लगा लिया है, ऐसे पुरुष का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, सर्वदा वैराग्य का भाव रखने वाला तथा जिसके सब संशय दूर हो गए हैं, ऐसा मेरा भक्त कैवल्य नाम के स्थान को प्राप्त कर लेता है। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 28वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।